बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चीत दे, जो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा काबख, अब तुम सुनियो चीत दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। मऊ में ती दुनी दरवाजे डेरा किया वाही, राजा बेख बदल के दर्शन कियो ताही, दर्शन कियो ताही। फिर दूजी बेर बेख बदल के धामदनी अक्षरातीत हमारी प्राणों के प्रीतम, ये बीतक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कल हमने बुढ़ानपुर रामनगर गड्ढा और वहां से पन्ना पहुंचे। कल रामनगर में हमने जब प्रसंग शुरू किया तो किस माध्यम से संदेश छत्रसाल जी तक पहुंचते हैं, पहले सुजान सी उसी के माध्यम से हरि सिंह जी को मालूम हुई ये बात, और हरि सिंह जी दर्शन करने के लिए आए और श्री जी के विषय में सूरत सिंह जी को सावधान किया। और सूरत सिंह जी देवकरण जी को बताएंगे और देवकरण जी छत्रसाल जी तक ये बात पहुंचाई कल। और कल हमने रामनगर के ये अगले प्रसंग में जब हम आगे बढ़े तो कई सुंदर सात का धाम चलना, इसी प्रसंग को भी हमने थोड़े अंशों में देखा। और आगे सुंदर साथ की सेवा भी रही, अलग अलग प्रकार की, कोई रसोई की, कोई अनाज की, कोई आरती के समय, कोई गाने के समय, और कई सुंदर साथ के घर पे भोजन प्रसाद प्रीति भोज का उत्सव भी रहा।
और कई सुंदर साथ निजानंद की राह पर चल पड़े। तारतम ज्ञान ग्रहण किया, और आगे हमने रामनगर की बीतक कल के मुख्य घटनाक्रम हम जो देखे तो सुजान सिंह की पहचान का स्तर क्या था, हरि सिंह जी की पहचान का स्तर भी हमने कल देखा, उसके आगे किशोरी कुंवर के पहचान का भी स्तर देखा, और उसी के आगे आसाराम जी जो कबीरपंथी थे, सबके अलग अलग पहचान बताई, ये भी एक मुख्य प्रसंग था। तो उस प्रसंग से हमने क्या सीख ली कि हम सब सुंदर साथ भी सबको यही परमधाम की वाणी मिली, यही वाणी सबके घर में है। सब सुबह को सेवा पूजा वाणी पठन ध्यान चितवनी, लेकिन सबके अंदर सबको राज्य मिले ज्ञान स्वरूप से, ये वांग्मय क्लेवर स्वरूप से, ये साक्षात राज्य के स्वरूप ये तारतम वाणी। तो भी हम सब सुंदर साथ की पहचान का स्तर समान नहीं है, बराबर नहीं है। किसी ने ज्यादा आत्मसात किया, प्राप्त किया, किसी ने थोड़ा कुछ कम किया, और किसी ने तो अभी लिया भी नहीं। और दूसरा घटनाक्रम यही था कि इतने सुंदर साथ जो धाम चले, सब कितनी बड़ी आशा रख कर अंदर कि श्री जी के साथ हम भी आनंद विलास की लीला करते करते पन्ना पहुंचेंगे, और पन्ना के अंदर कितना आनंद विलास का सुख लेंगे, लेकिन मूल स्वरूप की इच्छा ही नहीं थी। तो देखो तन कहाँ छूट गए, बीच में ही छूट गए। तो हम भी सुंदर साथ कई बार आशा रख के बैठते कि चलो अभी तो समय इतना आया और इतना मिला सौभाग्य से, तो इतना तो हमने बहुत कुछ कर लिया है, थोड़ा जो कुछ बाकी है अभी आगे बहुत समय है, हम कर लेंगे, अभी कहाँ समय चला गया है। लेकिन सुंदर साजी ये समय का भरोसा नहीं है, ये समय कभी भी साथ नहीं देगा, और समय कभी भी हमारा इंतजार भी नहीं करेगा। जो समय मिला है ने, जो साल महीना या सप्ताह या दिन या घंटे नहीं, एक एक पल हमारे लिए इतनी मूल्यवान इतनी कीमती है कि पता नहीं ये तन कब छूट जाए, कब हमारा अंतिम श्वास वो खिन एक ले वो लटक भंजाए, खिन एक ले वो लटक भंजाए, जनमत ही तेरो अंग जूठो, जनमत ही तेरो अंग जूठो, देखत ही मिट जाए, खिन एक लेबू लटक भंजाए, खिन एक लेबू लटक भंजाए। धामधनी ने इस किरण तन के माध्यम से क्या समझाया कि सुंदर साथ जी एक क्षण की, एक पल की, एक साइड की आपको जीवन मिला है। आपने मान लिया किसी ने 50 साल, किसी ने 100 साल, किसी ने
70 जो भी मान लिया, लेकिन कभी भी ये शरीर हमको दगा देंगे, मतलब भरोसा नहीं है इस शरीर का। और राज जी ने आगे भी बताया कि तेरी गिनती बांधी श्वासोश्वास, तिनको बिना विश्वास, बाकी रहे तेरे कितने श्वास, एक सांस की भी नहीं आस। और किरंतन ग्रंथ के 31-32 के प्रकरण में भी बताया, रे जीव तू यासो करे नेहड़ा, उसको सन्मुख नाई शरम, वो तो भूलवे नहीं को है भरम। मतलब हे जीव, तू इस शरीर के साथ संबंध रखा, ठीक है रखना चाहिए, लेकिन इस शरीर को सजाने में, खिलाने में, सुलाने में, मतलब सवारने में तू समय व्यर्थ गवाना नहीं। पता नहीं ये शरीर आपको कभी भी एक दिन छोड़ देगा, पता ही नहीं चलेगा, कई बार रोग आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते बुढ़ापा आ जाएगा। ये शरीर जो आज सुंदर दिख रहा है, कल जुरिया, पता नहीं कब ये तन छूट जाए। तो धामधनी ने किरणतन के माध्यम से एक एक प्रसंग के अंदर क्या क्या एक आत्मा को जगाने के लिए प्रबोधित किया है। तो ये शरीर तू इस, आगे ये भी किया कि ये शरीर तू भी इस जीव के सहारे ऐसे मस्ती में तू अपना जीवन नहीं गुजारना, क्योंकि ये जीव भी एक दिन तेरे पंच महाभूत के पुतले को छोड़कर चला जाएगा। ये आगे से कोई अलर्ट सावधान नहीं करेगा कि कल जाने वाला हूं मैं, तू अभी से अलर्ट सावधान हो जा। तो तू भी इसी के सहारे, तेरे को ये चैतन्य जीव मिला है, तब तक तू भी अपने जीवन को धन्य कर ले, सार्थक कर ले। धाम धनी ने ये सुंदर साथ जो धाम चले ने, वो सुंदर साथ भी अंदर राज्य की आशा को लेकर, एक सुख आनंद की आशा को लेकर वो भी अपने परिवार, घर परिवार को छोड़ के निकले थे, लेकिन देखो बीच में रामनगर में ही अपना तन छोड़ना पड़ा। तो हम भी एक यात्रा में तो निकले हैं राज्य के चरणों तक पहुंचने के लिए, ऐसे थोड़ी कि घर परिवार छोड़े तभी यात्रा में निकले। घर में भी हमारी एक यात्रा तो चालू ही है राज्य तक पहुँचने की, इन स्वरूप में डूबने के लिए, इस स्वरूप के शोभा श्रृंगार में डूबने के लिए हम रोज वाणी मंथन ध्यान चितवनी करते हैं, तो रोज हमारी यात्रा तो आगे बढ़ रही है, लेकिन हम भी एक बार अंदर आत्म मंथन करें, चिंतन करें कि क्या हमारी यात्रा कहाँ तक पहुँची है, शायद बीच में हमारा भी कोई हो ना हो जाए। धाम धनी की बस हमारे पर कृपा बनी रहे और हम राज्य का दीदार ना कर ले तब तक ये तन ना छूटे। सुंदर सा जी इस प्रसंग से ये सीख दी और आगे हमने रामनगर के अंदर कई प्रसंगों को सुना और अंतिम जब ये संदेश सूरत सिंह जी और देवकरण जी को पैगंबर कहा गया, क्योंकि वो पैगाम लेकर आए, संदेश लेकर आए और ये पैगाम महाराज 36 साल तक पहुंचा, क्योंकि अखंड का पैगाम था। ये कोई संसार या नारायण या कोई शून्य निराकार तक की बात नहीं थी, ये अक्षरातीत पर ब्रह्म सच्चिदानंद और जिस निष्कलंक स्वरूप की छत्रसाल जी राह दिख रहे थे 12 साल से, तो ये पैगाम वहाँ तक पहुँचा। ये कल के प्रसंग में हमने ये 3 मुख्य प्रसंगों को देखा और कल कैसे छत्रसाल जी का मिलन हुआ। तो मैं एक बात और रखूँगी कि सुंदर साथ जी, हम जब से वितक शुरू की ने, जब से ये वितक के घटनाक्रमों को शुरू किया, तब से हम कितनी आत्माओं का मिलन करवाते रहे हैं। ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को, ये हमने करवाया, ठीक है, हम धनी की अंगनाएं हैं, आत्माएं हैं, हमको शोभा मिली, हम नौतनपुरी से या जागनी यात्रा जब हमारी दीवबंदर से चली
तब से लेकर कितनी आत्माओं का मिलन करवाया। पहले सुंदर बाई, ऐसे पहले इससे पहले लो तो धन बाई, और मतलब गांगजी भाई और सतगुरु धनी देवचंद्र जी का मिलन हुआ ना। उसके आगे देखते जाओ तो जो जो आत्माएं सतगुरु के चरणों में आती थी, कहा मैं पहले से याद दिला रही हूं आपको, इसी प्रसंग से आपको क्या सीख लेनी है, धामधनी क्या बता रहे हैं, क्या प्रबोध दे रहे हमारी रूह को जगाने के लिए। निजानंद संप्रदाय में पहला सुंदर साथ कौन थे, कौन बने? गांग जी भाई, धन भाई की वासना थी, ठीक है, चाकला मंदिर में, जामनगर, नवानगर में। उसी के बाद हमने देखा वही घर में हीरबाई के अंदर भी परमधाम की आत्मा थी, वैसे वो अजबाई जो उसकी बहू थी उसके अंदर भी परमधाम की आत्मा थी। जे जो जो घर में सुंदर साथ और बाहर से भी जो सुंदर साथ आते थे, और मेरा ठाकुर के घर में 5 परमधाम की आत्मा थी, अमलावती, इंद्रावती, गुणवंती बाई, उत्तम बाई और हरख बाई, जो मेघबाई के अंदर भी वासना थी। ठीक है, मैं एक एक की याद ही दिला रही, फिर भी तक को याद दिला रही हूँ आपको। तो 5 तो केशवराय ठाकुर के घर में परमधाम की आत्माओं को पहचाना किसने? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने। और सबका मिलन हुआ धनी देवचंद्र जी के साथ, सबका मिलन हुआ। देवचंद्र जी के अंदर कौन बैठे थे, ध्यान से, कौन बैठे थे? युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी। तो उसी के अंदर सबके मिलन, उसी के अंदर जो युगल स्वरूप बैठे हैं और सबका मिलन हो रहा है। और वहां से जामनगर से और आगे यात्रा चली तो दीवबंदर से जयराम भाई के अंदर कौन सी वासना थी? करुणा सखी की, ठीक है। इससे आगे जब आगे बढ़ते गए, ठट्ठा, लाठी, मस्कत, बीच में भी नबी, पोरबंदर, पाटन, सब जगह सुंदर साथ मिलते गए। और मस्कत से आगे जब अबासी, फिर ठट्ठा, फिर गोगा सुहाली होते हुए सूरत में कितनी ब्रह्मात्माएं मिली। सबका, मेरे कहने का भाव कि सब आत्माओं का राज्य के साथ मिलन हो रहा है, राज्य के साथ मिलन हो रहा है। और सूरत से निकले आगे सिद्धपुर, अहमदाबाद से होते हुए सिद्धपुर मेरता, और गोकुल मथुरा से दिल्ली, दिल्ली में भी कितनी मोमिने मिली, कितनी आत्माएं मिली धनी के साथ। सबकी मुलाकात, मिलन होता गया, आत्मा का मिलन हुआ, शरीर का तो हुआ ही। और इससे आगे हमने जब दिल्ली से आगे उदयपुर, मंदसौर और उज्जैन, औरंगाबाद, कल देखा कि राम आकोट, बुढ़ानपुर, रामनगर, गड्ढा से मऊ और पन्ना, आज कल हम पहुंच गए, आज पन्ना के बीच तक हम देखेंगे। तब तक कितनी आत्माओं का मिलन राज्य के साथ हुआ। और धाम धनी इस प्रसंग के माध्यम से क्या बता रहे कि सुंदर सा जी, कल तुमने साकुंडल छत्रसाल के अंदर जो साकुंडल बैठी थी, साकुंडल और राज्य का मिलन हुआ, श्री जी का मिलन हुआ। कल हमने ये ज्ञान चर्चा के माध्यम से मिलन करवाया, तो मैं इस बात पर आज विचार करी थी, सुंदर साथ जी यही 400 साल की परंपरा में हम भी अंदर, तो सबके अंदर यही चाह है, यही तड़फ है, यही जिज्ञासा है, यही पिपासा है, यही तड़फ है, क्या कि हम भी धनी से मिले। लेकिन हमने सबका मिलन करवाया, आज 400 साल से यही बीतक पढ़ते आ रहे, यही बीतक के पाठ हम परंपरा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारा मिलन कब होगा? कल हमने छत्रसाल का राज्य के साथ मिलन करवा दिया ने, हमारा मिलन राज्य से कब होगा? आज मैं ये चिंतन कर रही थी, बीतक के माध्यम से मैं भी आज शायद 12 या 13 साल से बीतक कर रही हूँ, शायद 13 साल में 15-17 बीतक कर लिए मैंने, एक साल में कई बार दो दो जगह भी बीतक की है, ठीक है। तो मैंने कितनी बार मिलन करवाया, मैं आज अपने अंदर जाके, भीतर जाके अपने को पूछूं तो क्या मेरा राज्य से मिलन हुआ? नहीं हुआ। चलो थोड़ी कुछ अनुभूति हो जाए,
मैं क्या कह रही हूं आपको समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रसंग लिया कि कल तक हमने छत्रसाल जी के अंदर बैठी हुई शाकुंडल का भी मिलाप करवाया। और एक आगे और बात रखूं, कल मैंने वहां बोली थी श्रीफल वाली, नारियल वाली, कि ठीक है एक अध्यात्म जगत की जो भी परंपरा चल रही है हम नहीं नकार सकते, जो भी आज मत पंथों में चल रही है हमारा कोई अधिकार भी नहीं है। हाँ मैं इतना तो जरूर कहूँगी कि उसका बातूनी भाव यही है कि हमने कल श्रीफल फोड़ने के लिए कितनी जल्दी कर रहे थे। और इतना नहीं, ऐसे तो हम बहुत समय से, कितनी बार हमारे घर में पाठ हुआ होगा और कहीं भंडारे कार्यक्रम में भी पाठ हुए होंगे, ये वाणी के अखंड पाठ, साप्ताहिकी पाठ, अखंड पाठ, कोई त्रिदिवसीय पाठ, कोई पंचदिवसीय, कोई सप्त दिवसीय, कोई कई कतक चलता रहता होगा पाठ, कितनी बार हमने समाप्ति करके श्रीफल फोड़े होंगे, तोड़े होंगे ना श्रीफल। और मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ और आज भी देख रही हूँ, बस जहाँ भी मैं समाप्ति में जाती हूँ ना, बहुत सुंदर साथ मेरे को समाप्ति के दिन भी बुलाते हैं, तीन दिन मेरी चर्चा भी पारायण में रहती है। तो सुंदर साथ जब समाप्ति का दिन होता ना, तभी सुबह पहले मेरे को ये नहीं बोलते कि दीदी आज अंतिम दिन है, दो दिन से तो चर्चा में कोई इतनी संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि बार बार चर्चा सुनने की इतनी पिपासा, इतनी जिज्ञासा हो रही है, ऐसा अभी भी कोई सुंदर साथ ने मेरे को नहीं बोला। हाँ भाग्यच कोई सुंदर साथ ने बोला होगा, लेकिन हाँ जरूर इतना तो ये बोलते तीसरे दिन कि दीदी आज समाप्ति है, देखो फिर खाने पीने का ये समय भी लग जाएगा और सुंदर साथ जल्द भी करेंगे, समाप्ति में सेवा पूजा में टाइम थोड़ा चला जाएगा, तो देखो आपको आज जल्दी करनी है। मैंने बोला, मैं कई बार बोलती भी हूँ कि सुंदर साथ जी इतनी जल्दी राज्य को मिलने में कभी भी की, कितनी बार हमने समाप्ति की, कितनी बार श्रीफल को तोड़ा, लेकिन राज्य को मिलने में कभी भी हमारा सिर। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, मतलब हमारा सिर राज्य के चरणों में कभी भी हमारे अंदर से अहंकार। आज छत्रसाल जी की रहनी और छत्रसाल जी का समर्पण, श्रद्धा, उसका प्रेम आज हम देखेंगे। क्या देखेंगे कि छत्रसाल जी पहले अपने अंदर की मैं खुदी अहम आ रति, मैं बताऊं आ रति, आ मतलब आ रति मतलब रत थई जाऊं, मैं धनी के चरणों में जैसे ही दंडवत प्रणाम या सेजदा करने के प्रणाम करने के लिए झुकूं नीचे, तब मेरा सिर बस धनी के चरणों में, मेरा पूरा शरीर बस उस चरणों में समर्पण कर दे, मेरे अंदर की जो भी खुदी है अहम है, इतना नहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष तृष्णा राग कई प्रकार के विकार अवगुण, और बहुत से जन्मों से कई अवगुण और भी है धनी, बस मैं रोज आपके चरणों में प्रणाम करूं, बस तू ये मेरे अंदर से ले ले, और तेरे अंदर से जो प्रेम, अनंत प्रेम है, जो आनंद है, ये सुगंधी रोज एक लहर डालते रहे धनी, बस मैं सेजदा करूं और एक दिन ऐसा आए कि मेरे अंदर कोई खुदी ना रहे, मेरा अस्तित्व ही मिट जाए। तो क्या बताया, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। सुंदरसा जी श्रीफल फोड़ना बातुनी भाव यही है कि हमारा जो ये शरीर है, हमारे अंदर ध्यान से सुनिए, हमारे अंदर जो एक जीव है और एक आत्मा भी है, ये शरीर भी राज्य की मेहर से, उसकी कृपा से मिला है, और जीव भी उसके हुक्म से, नारायण के संकल्प से, ये नारायण का अंश स्वरूप ये जीव हमारे अंदर आया है, और आत्मा भी धनी की अर्धांगिनी है, वो भी राज्य के आदेश से इस नश्वर खेल को देखने के लिए आई है। तो सुंदर सा जी इस संसार में हमारा है ही क्या,
हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम पूरा जीवन ये बोझ ढोते रहे कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये धन संपत्ति, ये परिवार, ये एक छोटी सी चीज से लेकर देखो मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को भी ना देवे। ऐसे बोझ ढोते 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 एक कीड़ी मकोड़े की तरह कितने जीव इस संसार में तन छोड़ के चले गए और आज कई लोग जा रहे, लेकिन उस संसार के जीव और हमारे बीच में कहीं तो अंतर होना चाहिए, कुछ तो अंतर होना चाहिए। सुंदर साहब जी, हम भी यही बोझ ढोते रहेंगे क्या? एक दिन तो हम सबको जाना ही है। तो धाम धनी ने श्रीफल के माध्यम से क्या बताया, मतलब श्रीफल जैसे हम ऐसे फोड़ते हैं ना, लेकिन हमारा सिर अभी तक उभा है, मतलब खड़ा है सिर, मतलब हमारे अस्तित्व को अभी तक हमने खड़ा रखा है, अभी मरा नहीं अस्तित्व, हर क्षण बार बार छोटी छोटी बातों में खड़ा हो जाता है। अभी हम खड़े हैं तभी तो बार बार बोलते हैं मैंने किया, ये मैं करती, मैं नहीं होती तो क्या होता। धामधनी ने क्या बताया इस श्रीफल के माध्यम से कि कितने बार समाप्ति की, लेकिन सुंदरसा जी तुम पूर्ण नहीं हुए तो कल हमने मिलाप के खुशी के दिन थे तो कल हमने श्रीफल तोड़ा, सब सुंदर साथ ने आनंद मंगल उत्सव मनाया। बस मैं यही प्रसंग से इतनी ही चाहना, इतनी ही कामना करती हूँ आप सब सुंदर साथ से, आशा रखती हूँ कि सुंदर साथ जी बस इंद्रावती, शाकुंडल, आसबाई, अमलावती, ये सब आत्माओं का मिलन हुआ, उसी तरह हमारा भी एक दिन धनी के साथ मिलन हो जाए। और कल जब छत्रसाल जी श्री जी से मिले तो यहां मैंने जब चौपाई बोली, और कल किरणतन में भी आपने ये किरणतन सुना था, धन धन सखी मेरे सोई रे दीन, जीना दिन पिया जी सो हो रे मिलन, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन सखी में हुई कुर्बान, धन धन सखी मेरे सोई रे दीन, जीना दिन पिया जी सो हो रे मिलन, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन सखी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन सखी मुख सुंदर, धन धन चीत चुभायो अंदर, धन धन सखी मेरे सोई रे दीन, जीना दिन पिया जी सो हो रे मिलन, जीना दिन पिया जी सो हो रे मिलन। कल हमने ये किरणतन भी सुना कि धन धन सखी मेरे सोई रे दीन, यहां महामती जी अपनी आत्मा को कहती, मतलब अपनी आत्मा को प्रबोधित, अपनी आत्मा को लेकर कहती है, लेकिन हम सुंदर साथ जब ये किरणतन सुनेंगे गाएंगे तो हम अपनी आत्मा पर लेंगे कि हे आत्मा जब तेरा हमारा मिलन होगा तभी तो हम बोल पाएंगे। ये तो इंद्रावती की आत्मा का अवसा में मिलन होगा, कब? इंद्रावती की आत्मा का अवसा में मिलन होगा। और आप जो प्रारंभ में सुनते हो ने,
और आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला ए कलड़ी परदेश मा मुने मुकी ने काचालिया। जब इंद्रावती की आत्म अपनी विरह व्यथा धनी के साथ जब व्यक्त करती है, धनी को दीदार पहले देवचंद्र जी का उसी स्वरूप के अंदर श्यामा जी और युगल स्वरूप का दीदार जब किया, वैसे ये प्रकरण पद्मावती पुरी में उतरा है। लेकिन सबसे पहले इंद्रावती का मिलाप अभिषेक के अंदर धाम धनी के साथ हुआ था। आवो जीवाला मारे गिर वैसी वाली लीला परम धाम के अंदर हम जब पहुंचे, ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, तो जब रंग परवाली मंदिर में आप चिंतन में डूबिए, रंग परवाली मंदिर में हम रात्रि को जब पांचवी भोम में 12,000 जो हमारे सयन के मंदिर बने हैं, कहाँ मध्य में जो 9 चौक है उसमें भी बीच का जो चौक है उसमें 2 पूड़ा, 3 पूड़ा, 4 पूड़ा हवेलिया और बीच में जो हमारे रंग परवाली मंदिर और आसपास में 12,000 सयन के जो मंदिर बने हैं, वहाँ हमारी रात्रि को जो 9 बजे सयन की लीला होती है और सुबह को जब 5 बजे श्री जी रात्रि को 12,000 स्वरूप धारण करके एक एक सयन के मंदिर में सखियों के साथ कैसी प्रेममय लीला होती है। यहाँ वाला सयन नहीं कि रात्रि को हम तमोगुणी 5-6 घंटे जो नींद करते हैं वो वाली नहीं, वहाँ दिन को हमारी हकीकत की लीला 25 पक्ष में चलती है, लेकिन रात्रि को हम जब सयन के मंदिर में पहुँचते हैं तो हमारे धनी भी वहाँ एक एक स्वरूप धारण कर कर 12,000 मंदिरों में पधारते हैं, और हमारे साथ जब प्रेममय लीला होती है तो हम हमारा अस्तित्व वहाँ मिटा देते, हम भूल जाते हमारे अपने अस्तित्व को और सिर्फ राज्य ही दिखते हैं, और राज्य को एक सिर्फ रूह दिखती है, अपनी लाडली अंगना दिखती है, वहाँ एक दूसरे को बस अपने अस्तित्व को भुला दे और एक ही स्वरूप में लीला हो, उसको कहते सयन। यहाँ जैसा सयन नहीं तो जब पांचवी भोम में ये जब सुबह को 5 बजे ये सयन की लीला से राज्जी 12,000 जो स्वरूप धारण किए थे उसमें से एक स्वरूप धारण करके तीसरी भोम की पड़साल में आगे झरोखे में आ जाते हैं, फिर हमको पता है कि आगे राज्जी दर्शन देते तीसरी भोम से पशु पक्षियों को, अक्षर ब्रह्म को, और वहाँ सिंगार होता है, बाल भोग होता है, और 3 बजे तक वहाँ लीला चलती रहती है। तो सुबह जब 12,000 स्वरूप से जब एक स्वरूप धारण करते हैं तब सखिया भी क्या बोलती है ध्यान से आगे कि आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मा, मतलब सखियों के लिए, मतलब हम ब्रह्मात्माओं के लिए राज्य की जुदागी एक क्षण के लिए भी सहन नहीं होती, क्योंकि हम राज्य के साथ एक रस एक रूप होके जब प्रेम में डूब गई थी, कहाँ सयन के मंदिर में, जब हमारी आँख खुली मतलब प्रेम की बेहोशी से बाहर आना, आपको समझ में आ रहा है लीला, प्रेम की बेहोशी से बाहर आना, यहाँ जैसी निंद्रा नहीं कि कोई उठा दे और हम उठ जाए, ऐसी वाली नहीं, राज्य ने, मैं क्या कहूँ, एक महसूस करने वाली बात है, राज्य ने जैसे ही रूह के दिल से अपने स्वरूप को हटाया, आप अपने चिंतन कीजिए, मैं जो बोल रही हूँ ना वचन कहने से आपको एक अंदर शोभा में आप डूबेगे, ये सुनने की बात नहीं है, अनुभूति की बात है, ठीक है। जैसे ही राज जी रूह के दिल में डूबे हुए थे सयन के मंदिर में,
जैसे राज जी ने उस स्वरूप को दिल से जैसे हटाया, वैसे रू सीधे अपने अस्तित्व को पता चला कि अरे शयन के मंदिर में मैं अकेले हूँ क्या, अपने शयन के कक्ष में, अपने ये सिंहासन पे, या जो मैं लेटी थी उस शयन कक्ष में, तो तब जब देखा तो वहाँ राज जी नहीं थे। फिर सीधी वो पांचवी भूम से चौथी भूम से वो तीसरी भूम में आई, तो अंदर क्या भाव लिया, अरे धनी कहाँ चले गए, आओ जी वाला मारे घेर, मतलब मारे घेर मतलब कोई ये 500-200 बार का घर नहीं कि वहाँ एक सिंहासन बना दिया, ये राज्य को बिठा दिया, ये तो अभी ज्ञान स्वरूप राज्य है, तो ये हम घर में सिंहासन बना के बिठाते हैं। मैं एक बात कर रही हूँ रंग पर वाली मंदिर की, क्या बताया कि मेरे दिल रूपी धनी सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, अरे एकलड़ी परदेश मतलब तमे मने मुकी ने चाहला, हे बात अब से की घटित अब से में होती है कि धनी तुमने दीदार दे दिया, फिर मेरे से अंतर ध्यान लीला कर ली, जो सतगुरु स्वरूप में आप प्रत्यक्ष लीला कर रहे थे देवचंद्र जी के तन में, तभी तो मैं पहचान ही नहीं पाई कि आपके अंदर ही साक्षात राज जी है, जिसकी खोज में मैं लगी थी, मैं पैसे भर अनाज कर दिया, रास्ता बदला, मन की परीक्षा ली, जो स्वरूप में आप धनी देवचंद्र जी के तन में बैठे थे, ये तो मैं पहचान नहीं पाई, आपको आज मेरे को रिझाना है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, ये तन तो आज हमारे बीच से ओझल हो गए, अंतर ध्यान हो गए, मैं कैसे रिझाऊं, मैं कैसे रिझाऊं। धामधनी ने यहां क्या बताया, ये अवसे के अंदर ये इंद्रावती का जो विरह है, ऐसे तो सुंदर साजी साकुंडल के आगे कुर्बानी बनेगी, मैंने इतना विस्तार से क्यों लिया आज प्रसंग को, भले मैं घटनाक्रमों को 5 मिनट में जोड़ दूं, लेकिन आपको ये गहराई वाली बात क्या है, मिलन की समझ में आ रही है कि मिलन क्या चीज है। मिलन कोई थोड़ी ऐसी है कि हम रिश्तेदारों को मिले, आधे घंटे मिल लिया, 2 दिन हमारे साथ में रुक लिया, हंसी मजाक की बात हो गई, ये वाली बात है क्या ये। एक बार आने के बाद वो वालो जी कभी भी यहां से जाएंगे नहीं, इसलिए तो राज जी ने बताया कि एक बार में का, नहीं तो मैं किसी से दोस्ती नहीं करता, और दोस्ती करूं ना तो मैं कभी इसको छोड़ता ही नहीं हूं। देखो मिलन मतलब एक रस हो जाना अंदर, तो धाम धनी सब रूहों को मिले, ऐसे ही इंद्रावती को अवश्य में मिले थे, आज साकुंडल को पन्ना के अंदर अभी तो मिलन हुआ है, अभी आगे की यात्रा तो आज बढ़ेगी। तो आज सुंदर सा जी इतना प्रसंग मैंने इसलिए लिया कि जैसे और एक आगे बात अभी याद आई, साकुंडल को जब श्री जी मिले, ठीक है, मिलने के बाद एक क्षण अलग नहीं हुए हैं, लालदास जी को श्री जी मिले, मिलने के बाद एक क्षण अलग नहीं हुए है, केशवदासी को श्रीजी मिले, एक क्षण अलग नहीं हुए। ध्यान से सुनिए मैं आगे क्या कहना चाहती हूँ, जो जो ब्रह्मात्माओं का मिलन हुआ मैंने पहले विस्तार से बता दिया 15 मिनट, ठीक है, तो ये सबको जो राज्य मिले ने बाद में अंतिम, ये जब तन छूटा ने तो अपना सिर भी श्रीजी के चरणों में बंगला जी में ऐसे ही रख दिया, अपना अस्तित्व तो मिटा ही दिया था, ऐसे ही रख दिया कि फिर पीछे मोड़ कर देखा भी नहीं, और धनी जैसे हमारे बीच से ओझल हो रहे थे प्रत्यक्ष लीला से, फिर क्या सोचा कि अरे हमारे बीच से धनी जा रहे हैं क्या, तो हम भी उसी के अंदर विलीन हो जाए। देखो लालदास भी आगे बीतक लिखने के बाद सीधे नहीं प्रणाम कर लिया अंतिम, लेकिन उसके बाद थोड़े समय तक राज्य का हुक्म रहा, और बाद में उसने भी जब लीला पूर्ण की अपने उत्तरदायित्व की, बाद में उसने भी अंतिम प्रणाम कर लिया, ताम दिल में ऐसे ही बसा लिया राज्य को कि एक क्षण भी अलग नहीं किया। और छत्रसाल जी भी अंतिम तक राज्य को एक क्षण अलग नहीं किए। तो एक एक आत्माओं का मिलन से क्या
समझना चाहिए सुंदर साथ जी कि हम ऐसे दौर लगाए, हम भी यही राह पे चले और हमारा भी एक दिन बस मिलन होने के बाद तो बात ही क्या रही, फिर तो धनी हमारे धाम दिल में, आत्मा के दिल में अखंड हो जाएंगे। तो अभी मैंने ये किरंतन ग्रंथ 84 नंबर के प्रकरण की चौपाइया बोली कि धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। तो इंद्रावती के आत्मा का मिलन हुआ, उसने बोला कि ये दिन मेरे लिए धन्य धन्य है। क्या दिन? जिस दिन से मेरी राज्य के साथ, जिस दिन मेरा राज्य के साथ मिलाप हुआ, मिलन हुआ। सुंदर सा जी, हम संसार में किसको मिलने के लिए आए और कितने लोगों को मिल लिया, जिसको मिलना था उसी को तो मिले ही नहीं। कितने लोगों को हम मिले, देखो परिवार, सगे संबंधी, कई रिश्तेदार 5 दिन 10 दिन कांटेक्ट में नहीं होते तो फोन से या घर पे जाके कितने नाते निभाए, और एक जन्म में नहीं बहुत से जन्मों में। और हम एक बात बस वही करते, अरे बहुत दिनों से नहीं मिले हैं क्या। मैं कई बार सुंदर साथ को चर्चा में बताती हूँ कि सुंदर साथ जी, जिसको मिलने के लिए आए थे क्या उसको हम मिले? नहीं मिले। और कितने लोगों को मिल लिया, लेकिन जिसको मिलना था उसी को तो अभी मिल ही नहीं पाए। या धाम धनी ने क्या बताया, इंद्रावती की आत्म कह रही है कि जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। फिर बताया कि धन धन मेरी हुई पहचान। फिर आगे की यात्रा बताई कि जब मैं आगे चलती गई, पहले तो मिलन हुआ था कहाँ, विक्रम संवत, ध्यान से, विक्रम संवत 1687 में माक्सर शुद्ध नोम को सिर्फ मिलन हुआ था। फिर आगे तीसरे चरण में क्या बताया कि मिलन के बाद कोई किसी की पूर्ण पहचान नहीं होती। ध्यान से, मिलन के बाद किसी की पूर्ण पहचान नहीं होती। यहां छत्रसाल जी की आगे हम देखेंगे ना, तो यहां बताया कि पहचान कब हुई, जब भविष्य में गई ना, तब धन धन सखी मेरी हुई पहचान। जब से मेरी पहचान बन गई विक्रम संवत 1714 से 15 के बीच में, एक साल कहां रही इंद्रावती की आत्मा, जिस तन में बैठी है, मिहराज ठाकुर का तन। ध्यान से सुनिए बात सुंदर साथ जी, पहचान क्या चीज है, मिलन क्या चीज है, आगे कुर्बानी, ये तीन चीज प्रमुख है। पहले तो मिलन होता है, ठीक है, मिलन के बाद सीधी पहचान नहीं होती, धीरे धीरे, धैर्य धैर्य से, मतलब आगे जब हमारी जर्नी बढ़ती जाएगी बाद में धीरे धीरे हमारी अंदर पहचान बनती जाएगी, और पहचान के बाद तो कुर्बानी आएगी, कोई ऐसे थोड़ी कुर्बान कर देंगे। तन मन धन जीव और आत्मा भी। तो यहां तीसरे चरण में बताया कि धन धन मेरी हुई पहचान और धन धन धनी में भई कुर्बान, और अंतिम तो जब मैंने अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान लिया कि साक्षात तुम अक्षरातीत हो। तो ऐसे छत्रसाल जी, जब आज कल हमने मिलाप करवाया है तो ये छत्रसाल जी की भी तक नहीं है, आगे बताएंगे, हम सबकी है। मिलाप के बाद हमारी जर्नी भी कितनी तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, पहचान तक पहुंचनी चाहिए। और पहचान की पहचान क्या है, मैं कई बार सुंदर साथ पूछते ने कि मेरी भी बहुत पहचान बन गई, और कई सुंदर साथ ऐसे भी बोलते कि देखो राजकोट के सुंदर साथ, गुजरात में ऐसी बातें चलती रहती कि बहुत जागृत है, मतलब उसकी तो बहुत बड़ी, मतलब गहरी पहचान बनी है राज्य के प्रति। तो मैं कई बार और सुंदर साथ आगे भी बोलते ने कि देखो राजकोट के सुंदर साथ चर्चनी में भी बहुत आगे है, तो मेरे से रहा नहीं जाता। मैं बोलती कि सुंदर साथ जी, मेरे को एक बात का जवाब दीजिए कि पहचान की पहचान क्या है। मैंने पहचान कर ली, ठीक है स्वीटी, मेरी पहचान की तो कोई किसी के पास पहचान बनेगी, समझ में आया। मान लो मैंने राज्य की पहचान कर ली है, ये किस आधार पर आप मानोगी
कोई मेरी ऐसी तो रहनी, ऐसा तो कोई आचरण, ऐसी तो कोई कुर्बानी, ऐसा तो कोई त्याग, ठीक है, ऐसी तो कोई श्रद्धा, ऐसी तो कोई निष्ठा, इतना नहीं, ऐसा तो कोई मेरा विश्वास, कोई कुर्बानी कुछ तो तू देखेगी। मेरी पहचान की पहचान क्या है? क्या कोई कहे तो मैं मान लूं थोड़ी? ये तो मैं कहती हूं कि तो आपकी महानता है, तो आप मतलब सिफत गाते रहते हो, लेकिन मेरे को पता है मैं कहां तक पहुंची हूं। और सुंदर साथ बोलते कि बहुत जागृत सुंदर साथ है, मैंने बोला जागृत तो तब कहे जाएंगे, आत्म जागृति कहते हैं किसको? आत्म जागृति कहते हैं किसको? आज हम एक एक बात का ये प्रसंग आया ना मिलाप का। देखो राज जी ने, मैं सोच के नहीं आई हूं क्या बोलूंगी, और राज जी कहां कहां से देखो एक घंटा लगा दिया सिर्फ मिलाप में। आत्म जागृति कहते हैं किसको? चलो मैंने तो मान लिया कि तारतम ले लिया, वाणी पढ़ती हूं, सेवा पूजा करती हूं, ध्यान चितवनी करती हूं, तो मेरी आत्मा तो जागृत हो गई, ठीक है। राज जी ने तो बहुत सी बातें वाणी में रखी कि आत्मा की जागृति कब मानी जाती है? जब हमारे दिल में, और अभी भी हमने किरंतन सुना, ऐसा आवत दिल मुख में जो इसके आत्म खड़ी होए, और आगे बताया ऐसा आवत दिल उक में जो इसके आत्म खड़ी होए, ये हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। रूह की जागृति कब मानी जाएगी? ये हक सूरत दिल में चुभे, और इससे पहले की अवस्था क्या है? राज्य को पाने से पहले की अवस्था क्या है? प्रेम, प्रेम अंदर आएगा, ठीक है। प्रेम से आगे की अवस्था क्या है? विरह, ठीक है। विरह से आगे की अवस्था क्या है? दुख। दुख को सांसारिक कष्ट वाला दुख की बात नहीं कर रही हूं, धनी के लिए हम कभी दुखी हुए हैं? दुख से बिरहा, ऊपर से विरह से प्रेम, इश्क, इश्क प्रेम जब आइया, हम बोलते हैं ना तब नेचे मिलिए हक। तो राज्य को पाने के लिए पहले हमारे अंदर इश्क, और प्रेम भी कब आएगा अंदर? सुंदरसा जी, अंतस्करण जब खाली नहीं होगा ने, पवित्र नहीं होगा, खाली मात्र पवित्र निर्मल नहीं होगा, तब तक राज्य का प्रेम नहीं आएगा। जैसा बाहर है ने ऐसा अंदर बनना पड़ेगा, चाहे जितना भी तुम कर लो। कोट बेर बताया ने, अंदर नहाए निर्मल फेर नहावे बाहर, कर देखाई कोट बेर कर लो बाहरी दिखावेली बंदगी, लेकिन जैसा बाहर हो वैसा ही जब अंदर बनोगे ने तब हमारे अंदर प्रेम आएगा। और राज जी ने तो यह भी बताया कि इश्क पैदा होने की सूरत, तुम्हारे अंदर इश्क कैसे आए, चलो मैं वो भी तरीका बताता हूं। परिक्रमा ग्रंथ के चौथे नंबर के प्रकरण में बताया कि तुम्हारे अंदर कैसे प्रेम पैदा हो, चलो ये एक तरीके से राज जी आत्मा को जगाने के कैसे प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर प्रेम कैसे आएगा। सुंदरसा जी, बार बार तुम याद करो किसको? परम धाम की लीला को। बार बार सात वन को याद करो, जमुना जी को याद करो, केल पुल को याद करो, बट पुल को याद करो, पाट के घाट को याद करो, 25 पक्ष की अंदर की जो हमारी शोभा और जो लीला बनी है उसको बार बार चित्त के अंदर चुभो। जब बार बार तुम्हारे अंदर ये चिंतन बन जाएगा ने, तो जब ये सुख अंग में आवही तब छुटी जाए विकार। जब परमधाम का सुख हमारे अंदर आता जाएगा, तो परमधाम किसका स्वरूप है? प्रेम का।
परमधाम किसका स्वरूप? आनंद का। तो जिस लीला का स्मरण करेंगे, जिस लीला का चिंतन करेंगे, तो वो सुख हमारे अंदर भरता जाएगा, अंदर भरता जाएगा, ने अंदर आता जाएगा, तो एक दिन हम वो बन जाएंगे। जिसका चिंतन करो वही हम बनेंगे। पूरा दिन माया का चिंतन करेंगे तो भोगी बनेंगे, पूरा दिन योग का चिंतन करेंगे तो योगी बनेंगे, पूरा दिन रोग का चिंतन करें तो एक दिन रोगी बनेंगे। यह धामधनी ने क्या बताया कि पहचान के बाद आगे बताया, हुई पहचान तब मैं धनी पर भई कुर्बान। और दूसरे चरण में हमने गाया कि धनी मेरे नेत्र अनियाले, मेरे बंके नेत्र, तिरछे नेत्र। पहले इंद्रावती ने आत्मा ने अपने नेत्र की ओर वर्णन किया, क्या किया कि धनी मेरे नेत्र भी तिरछे है। देखो राजी कितनी गहरी गहरी बात, एक चिंतन की बात है, अनुभूति की बात है, ये भी चर्चा में बता रहे हैं। यहाँ मैं आज कुछ सोच कर नहीं आई हूँ, राज जी ने क्या प्रसंग लेना है, क्या करना है, आप चिंतन में डूबी है। राज जी क्या नेत्र वाली बात बता रहे हैं, हमारे धनी के नेत्र परमधाम में कैसे है, बंके मतलब तिरछे, चंचल, चपल, चतुर, बस ये तीनों पर आप चिंतन कीजिए। कैसे धनी के नेत्र? चंचल, चतुर, चपल और प्रेम से अनंत लबालब प्रेम से भरे हुए है नेत्र, और तिरछे नेत्र है, और भुएं ऐसे तिरछी है। और जब रूहों को तिरछे नेत्र से जब बाण मारते हैं तो रूह तो वहां ही बेहोश हो जाती है, घायल हो जाती है। तो यहाँ पहले चरण में इंद्रावती ने अपने नेत्रों पर लिया कि धनी मेरे नेत्र अणियाले, मतलब मेरे भी तिरछे नेत्र, क्योंकि तेरा जब मिलन हुआ ने, मेरा तेरे साथ मिलन हुआ, तेरी नज़र मेरी नज़रों के सामने, तेरी निगाहें मेरी निगाहों से मिली ने, तो तेरी नेत्रों से अनंत प्रेम मेरे हृदय रूपी नेत्रों में इतने बरसे के बादल बरसिया रूहल्ला, मतलब इतने बरसे। तो ये मेरे नेत्र भी प्रेम से पूरे लबालब भर गए, मेरे नेत्र अनियाले, धनी के नेत्र मिले रसाले, रसाले मतलब प्रेम से भरे हुए। वो तीसरे चरण में क्या बताया, कि धनी ये मेरे चित्त के अंदर ये स्वरूप चुभ गया, क्या स्वरूप? आपके लालिमा से युक्त गौर, ये प्रेम से भरा हुआ मुखार विंद मेरे धाम दिल में चुभ गया। तो यहां धामधनी इंद्रावती तो अपनी आत्मा का जब मिलन हुआ ये प्रसंग बताया, और इसी माध्यम से मैं छत्रसाल जी की आत्मा का जो मिलन हुआ है, और वो दिन उसी के लिए तो धन्य बन गया, हमारे लिए अभी धन्य नहीं बना है, हमने तो जाहिर ही कल शरीफ फोड़े हैं, तोड़े हैं। अब जब हमारा मिलन राज जी के साथ होगा ने, उसी दिन हमारे लिए धन्य बनेगा। बोलो श्री प्राणनाथ, वो दिन हमारे लिए धन्य होगा। कल का दिन हमारे सबके लिए धन्य नहीं था, जाहिर रूप में उत्सव मनाया, थोड़ी देर के लिए जीव को खुशी मिली, थोड़ा कुछ सुख मिला, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये आनंद तो अखंड का आनंद है। ये आनंद तो तब आएगा जब हमारे दिल में राज जी का मिलन होगा, हमारे धाम दिल में राज जी का मिलन होगा। तो राज जी ने कल के मिलाप के माध्यम से बहुत सी बातें ली, और भी याद तो आ रही है, लेकिन थोड़े हम आगे बढ़े, क्योंकि आज से मैंने ये विचार किया कि चलो अष्टपहर तक पहुंचना है, तो हमारे पास 5-6 दिन है। जितनी भी राज्य विस्तार से, जितने भी सुख में आगे अपने हुक्म से अपनी प्रेरणा से डूबोए, तो एक एक लीला के अंदर, बस मैं तो अंदर से राज्य के पास यही एक चाहना करती हूँ कि राज्य जब अंतिम समाप्ति का दिन होने, तब मेरा भी सिर तेरे चरणों में बस एक बार नतमस्तक हो जाए, दोबारा उठने का नाम भी ना ले, बस प्रणाम कर ले। सच में मैं रोज यही मांगती हूँ। तो आज भी मैंने सोचा कि चलो
राजी आज ही से थोड़ी ऐसे मेरे को एक ठंडक मिली, शांति मिली कि अभी कोई आगे का मिलाप ही नहीं, अब मिलाप है तो हमारी रूह का राज जी के साथ है। समझ में आया? अभी मिलाप है तो हमारी राज जी की, क्योंकि अभी तक सुंदर साथ जब मिलन आता ना तो अगले दिन पूछते कि कल मिलन है दीदी ये लेके आना है, तो मैं भी टेंशन में चिंता में आ जाती कि चलो वहाँ तक पल पहुँचना पड़ेगा। फिर रोटी के टुकड़े का प्रसंग आया तो भी सतत अंदर एक चिंता रहती थी, तो भी जल्द जल्द मैंने वहाँ भी पहुँचाया। और कल भी छत्रसाल का मिलाप था श्री जी के साथ, तो मैंने सोचा चलो सब मिलाप पूर्ण हो गए, हमारी रूह का मिलाप बाकी है अभी। समझ में आया? अभी हमारी रूह का मिलाप राज जी के साथ बाकी है, तो मैं तब तक शांति रखूंगी जब तक हमारा मिलाप राज जी के साथ न हो जाए। शांति भी मैं चर्चा में रखूंगी, अंदर से तो मेरे अंदर वो एक अंदर से विरह की अग्नि रहेगी कि बस कब धनी मिले, कब धनी मिले, बस ये समाप्ति पहले हमारे अंदर की समाप्ति हो जाए। तो आज सुंदरसा जी मिलन के अंदर हमने आगे चौपाई पड़ी कि मऊ में तिदुनी दरवाजे डेरा किया वहीं, वो श्री जी देखो अपनी रूह के लिए किसको लगी है। पहले श्री जी को संदेश, श्री जी ने संदेश भेजा किसको? छत्रसाल जी को, कि जाओ ललदासी साकुंडल को बुला के लाओ। और साकुंडल ने क्या बोल दिया? धनी तुमको लगी हो तो तुम आ जाओ, मेरे को तो यहाँ आनंद आ रहा है, मतलब बहुत सालों से यहाँ है और भी सुख चैन से। इस साकुंडल की बात नहीं है, हमारी है, हमको नहीं लगी, राज जी को लगी। इसलिए प्रोग्राम या कोई कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम बना रहे और बोले कि तुम यहाँ आ जाओ, तो सुंदरसा जी हम तो जाने के लिए थोड़ी तैयार है। तब राज जी कई बार हमारे घर में प्रोग्राम लगा के वहाँ मिलने के लिए आ जाते। वैसे परमधाम से बोल दिया था कि मैं जगाने के लिए आऊँगा ने, तुम मतलब मेरी भी परीक्षा लेगी। तो यहाँ साकुंडल ने बोला कि अरे लालदासी तुम श्री जी को बुला के यहाँ लाओ ने, मैं आ नहीं पाऊंगी। तो राज जी गए, देखो तो किसका प्रेम बड़ा रहा, किसका प्रेम बड़ा रहा, राज जी का रहा ने। बड़े बड़े दावे किसने किया था? राज जी ने या हमने मूल मिलावे में? अभी तक हारती रही है, देखो पन्ना पहुंच गई, अभी तक हम हारते ही रहे, अभी तक हमारी जीत नहीं हुई है। समाप्ति तक हमारी जीत हो जाए बस मैं यही आशा करती हूं। और जब श्री जी वहां पहुंचे तो भी ऐसे थोड़ी कि चलो आए मैं झुक जाऊं, तो भी आगे बताया कि दूसरे पहले भेख बदल के आए और दूसरी बार शिकारी का भेष धारण करके छत्रसाल जी, तो भी नजदीक नहीं दूर से, तो भी नजदीक नहीं दूर से, कितनी दूरी पर खड़े रहे, बिछोना से किनार से भी दूरी पर खड़े रहे। तो यहां सुंदरसा जी छत्रसाल जी ने शिकारी वेश धारण किया। हमेशा शिकारी वेश धारण करते ने, वो शिकार करने के लिए जब निकलते ना, पहले राजा लोगों का शौक था एक अंदर के शिकार करने के लिए जंगलों में वनों में जाते थे सवार होके, तो वहां शिकार करते थे कोई प्राणियों का पक्षियों का। तो यहाँ शिकारी वेश करके उसी ने तो परीक्षा लेने के लिए छत्रसाल तो आए, लेकिन शिकार जो शिकारी गए शिकार करने के लिए वो शिकार करके आना चाहिए ने, लेकिन यहाँ किसके शिकार वो बन गए? श्री जी के, बोलो श्री प्राणना। यहाँ छत्रसाल जी शिकार श्री जी के बन के बनने वाले ही थे, क्योंकि हम किसकी अर्धांगिनी है, हम किसकी आत्मा है, आनंद स्वरूपा किसकी है? राज जी की। तो राज जी तो अपनी लाडली रूह को खींची लेंगे, संसार की ओर थोड़ी जाने देंगे, वो तो लेने के लिए आए, तो अपना पूर्ण अधिकार था हमारे पर। तो उसने क्या किया, अपने सकंजे में मतलब अपने फंदे में ले लिया, शिकार तो वो करने के लिए आए थे, लेकिन वो खुद शिकार बन गए, बन गए ने माता जी। अभी आए के तीसरी चौथी चौपाई में, तो तीसरी चौपाई में ही बता दिया कि ता जाए ठाडे भैये तरह मुड़ की ल्याए, तो भी
परीक्षा शुरू की कि आके एक अनजान व्यक्ति की तरह मूड की तरह दूर खड़े रहे, बिछोने से किनार से भी दूर खड़े रहे और वहां भी खड़े रहे कि क्या बोला कि बाबाजू राम राम, क्या बोला बाबाजू राम राम। तब श्री जी ने बाबाजू आगे बैठो, राम राम नहीं बोला, आगे श्री जी ने बोला कि हाँ राम राम नहीं, बाबाजू तुम ऐसा करो आगे आके बैठो ने। तब भी छत्रसाल जी ऐसे थोड़ी, अरे ये कौन है, ऐसे तो मेरे जीवन में बहुत से मेरे को फंसाने के लिए आए, इस फंदे में डालने के लिए, लेकिन निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के बिना मेरे को कोई फंदे में डालने वाले नहीं, ये विचार कर रहे अंदर। तब श्री जी ने बोला ने बाबा आगे आकर बैठो, तब बिछोने से किनार पर आए, मतलब बिछोने के किनार पर आए, अंदर नहीं आए। फिर श्री जी ने दोबारा बोला कि अरे थोड़े और आगे आइए ने, ढीक और आइए ने, तो भी नहीं आए, थोड़े आकर बैठे। तब तीसरी बार जब श्री जी ने बोला कि अरे तुम तो मेरे फंदे में आ गए हो, नजदीक आए, इतनी दूरी पर क्यों बैठे हो, किसकी बात कर रहे हैं? हम भी सुंदरसा जी क्या करते, पता राज्य के साथ जुड़ने के बाद रोज हमारे दिल में भी कार्यक्रम से, मंदिरों से, कोई भी संस्थाओं से और राज्य से अंदर तो यही विचार रहता है कि चलो सब चीजों से मैं दूर रहूं, घर में तो राज्य है, पढ़ लेती हूँ, ध्यान कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ जाना ना पड़े, वहाँ भी जाके सेवा करनी पड़ेगी, सेवा लिखवानी पड़ेगी, तो हम भी राज्य से रोज अंदर का एक भाव बना रहता कि सुख चैन से घर में ये संसार में कैसी हमारे जीवन ऐसे ऐस आराम से बीत रहा है, तो चलो इतना नजदीक जाने की क्या जरूरत है। यहाँ श्री जी ने बोला कि एक बार मेरी नज़र जिस पर पड़ गई ने, फिर तू किसी की रह पाओगी नहीं, जो संसार की है तो तेरे पर अभी मेरी नजर पड़ी, समझ में आ रहा है, जो तू अभी संसार की है तो मेरी नजर पूर्ण रूप से तेरे पर पड़ी नहीं है, और जो तेरे पर पड़ गई तो मान ले कि तू संसार की ओर की रहेगी नहीं। तो यहां छत्रसाल जी को क्या सिखाया, क्या इस चौपाई के माध्यम से क्या सिखाया कि अरे तू मेरी है, अंदर से मंद मंद मुस्कुरा रहे कौन, श्री जी, कि अब ज्यादा परीक्षा ना ले, हार तो पहले से चुकी हो और भी हंसी करवा रही हो क्या, हार तो पहले से भी चुकी हो और भी हंसी करवा रही हो क्या, किसकी कहानी है ये, किसकी है, हमारी अब हाथ जा रहे है, बोले सी प्राण ना, हमारी तो बात है सुंदर साथ जी। और आगे राज जी ने क्या बताया कि ऐसे कोई ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ कि मेरे को इस फंदे में डाले। तब श्री जी ने बोला कि अरे तू मेरे फंदे में आ गया शाकुंडल ए छत्रसाल। तब छत्रसाल जी 12 साल से एक बार स्वप्न में, एक बार अपने घर राजमहल में वो सो रहे थे, रात्रि में स्वप्न आया, स्वप्न के अंदर श्री जी ने स्वयं दर्शन दिया और बोले कि छत्ता तू मेरे पास आ जा, ऐसा एहसास महसूस करवाया, और हाथ में बुद्ध जी के छाप के सिक्के भी, मोहर भी हाथ में दे दी। जैसे ही दिया वैसी नींद खुल गई, और खुल के अपने हाथ में देखा तो बुद्ध जी की छाप का सिक्का देखा और सोचने लगे अरे ऐसे इतनी क्षणों में कौन दे के गए, और तब से उसने एक भाव से वो लॉकेट को, वो पेंडेंट को, ये दुगदुगी को कहाँ पहनते थे, अपने गले में, और बस इंतजार में, प्रतीक्षा में थे कि नहीं जिस स्वरूप ने मेरे को ध्यान में दर्शन दिया है, मतलब स्वप्न के अंदर भी याद दिलाई कि छत्ता मेरे पास आ जा,
तो ये स्वरूप एक दिन मेरे पास आएगा, तो उस प्रतीक्षा में, उस राह में अपने गले में वो लॉकेट पहन के रखते थे। कौन? छत्रसाल जी। और 12 साल से राह दिखते, तो 12 साल कब से? 1728 विक्रम संवत 1728 में श्री जी कहां थे? मस्कत से निकले, मतलब जब ठट्ठा नगर से मस्कत आए और मस्कत से जब निकले और आगे सूरत की ओर प्रस्थान करेंगे, तो तब से 12 साल से ये राह दिख रहे थे। जब सिक्का देखा या श्री जी को, तो श्री जी ने कुछ नहीं बोला, श्री जी ने कुछ नहीं बोला, बस मौन होकर जो जहां श्री जी आसन पर बैठे थे, बिछोना बिछाया था, वो आसन को ऊंचा किया और छत्रसाल जी को बोले कि इस आसन को ऊंचा करो। जैसे छत्रसाल ने ऊंचा किया, बोले कि इसमें से देखा ने तो अनंत सिक्के वहां पड़े थे, और श्री जी ने बोला उसमें से एक सिक्के ले लो और हाथ में रखकर दोनों की बराबरी करो, सेम करो। तब वर्तमान में जो अभी सिक्का दिखाया और श्री जी ने जो दिखाया, ये दोनों बराबरी के एक ही छाप के थे। तब छत्रसाल जी शर्मिंदगे हो गए, लज्जित हुए। अरे, जिस अक्षरातीत की खोज में मैं आज 12 साल से था, वही धनी मेरे को लेने के लिए इतना पंथ काट कर, इतना रास्ता काट कर यहां तक, और ये भी वो सामने चल कर आए, तो प्रेम तो उसी का ही बड़ा था। इसलिए तो बोला, आसिक मेरा नाम रूहल्ला, आसिक मेरा नाम, आसिक मेरा नाम रूहल्ला, आसिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उमत में आराम रूहल्ला, आसिक मेरा नाम रूहल्ला, आसिक मेरा नाम, इलम ले चलो अर्श का, खोल दियो हकीकत। राज जी ने क्या बताया कि इस रूहो मैं तुम्हारा आसिक हूं। अल्लाह सनंद ग्रंथ के प्रथम नंबर के प्रकरण की प्रथम चौपाई में अल्लाह मुहब्बा मासुक, अल्लाह मुहब्बा मासुक खासी खसम दिल, तो नाम धराया अकने आसिक अपना असल। देखो उसमें भी क्या बताया कि हे रूहल्ला, तुम मेरे संदेश लेकर जाओ और बुलाए लिया हो तुम रोहल्ला, जो रूहे मेरी आसिक। उसमें भी धामधनी का कितना लाड भरा हुआ है कि वास्तव में तो आसिक मैं हूं, लेकिन वहां भी आसिक रूहों को भी बोल के बोला कि जाओ तुम बुला के लाओ, वो ना माने ने तो कहना कि राज जी ने बुलाया है, तुम जल्दी से इस खेल को देखकर वापस परम धाम चलो और मैं तुम्हारा आशिक हूँ। इस संसार में ऐसा कोई आशिक नहीं है सुंदर साजी, इस संसार का तो झूठा प्रेम है, स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है, ये स्वार्थ से बंधे हुए रिश्ते हैं। एक ही अक्षरातीत, एक ही धाम के धनी हमारे आत्मा के प्रियतम प्राणनाथ, और ये नहीं, श्रृंगार ग्रंथ के अंतिम प्रकरण हक महबूब के जवाब, उसके प्रकरण के प्रथम चौपाई में भी बताया, रे रूहो, क्या बताया? रे रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मेरे कितना लंबा करके, तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। यहां भी छत्रसाल जी को
धामधनी क्या बता रहे हैं छत्रसाल जी, तुम मेरे फंदे में आ गए हो, मैं तुम्हारा आशिक हूं। और छत्रसाल जी ने भी तब सुंदरसा जी पहचान तो कर ली, लेकिन धीरे 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 आगड़ बनती जाएगी, अभी पहचान तो हो ही गई है, मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन आगे हम लीला में रोज देखते जाएंगे कि छत्रसाल जी की पहचान क्या है। सात समत के बीच में चुगल धनी बैठाई, ये साक्षात तुम अक्षरातीत हो, हम चिन्हे तुम्हें बनाई। अक्षरातीत के स्वरूप में आज हमारे समाज की मानसिकता क्या है कि अपने पैसे के बल पर, धन के बल पर, पद प्रतिष्ठा के बल पर प्राणनाथ को कोई संत, कोई कवि या कोई देवचंद्र जी के शिष्य, इसी को एक जबरदस्ती से, मतलब एक विरोध के बल पर वो बता रहे। इतना नहीं, सुंदर साथ जी में आज एक आह्वान समाज को कर रही हूँ कि सुंदर साथ जी, हम प्राणनाथ जी की गरिमा को तो इस संसार में नहीं फैला पाए, 400 साल में नहीं फैला पाए। आज दूसरे मत पंथों को देखो, मैं कई बार बोल चुकी और आज भी अलग ढंग से बोलूंगी कि जिसके मूल नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कितने फिर के इष्ट फिर के चल रहे, कितने प्रचार प्रसार आज हो रहे, कितना फैलाव आज देखो इसका नेटवर्क। हम गरिमा को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस गरिमा को कलंकित करना ये भी हमारा अधिकार नहीं है। और केशवदास जी ने भी आगे अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान की है। और सुंदर साजी पूरी बित्तक साहेब, लालदासी कृत बित्तक साहेब में बस 226 बार, ध्यान से 226 बार श्री राज कहा गया है राज्य को, और 22 बार हक कहा गया है, और 4 बार अक्षरातीत कहा गया है। 226 बार श्री राज, 22 बार हक और 4 बार अक्षरातीत कहा गया है। हम कौन है उसकी गरिमा को कम करे। ये छत्रसाल को जब श्री जी ने बोला कि तुम मेरे फंदे में आ गए, तब जब पहचान अंदर शुरू हो गई। और आगे सुंदरसा जी बताया कि जिसके मैं 12 साल से इंतजार में था, वो भी छाप के सिक्का मेरे को तुमने हे धनी बताया, मैंने ये भी तुम्हारी परीक्षा ली। और अंदर जाके मैंने बोला ना अभी कि शर्मिंदगे हो गए, लज्जित होके वो राजमहल में छत्रसाल जी चले गए। तभी मऊ में थे सहानिया में, और अपनी तीन रानियां, बड़ी रानी देवकुरी, मझली रानी सुशीला महारानी और छोटी रानी कमलावती। तो यहाँ बड़ी जो रानी देवकुरी है, तभी मऊ में रहते थे, तो वहां अंदर जाके महल में जाके रानी को बोला कि हे रानी, दर्शन करना हो तो पर ब्रह्म निष्कलंक बुद्ध स्वरूप अक्षरातीत स्वयं हमारे घर आए हैं, जाओ तुम जाके दर्शन कर लो। तब रानी के अंदर भी थोड़ा विचार आया, अरे ये महात्मा या कोई ऐसे योगी या जो भी संत या जो भी गुरु के रूप में माना, ऐसे आके, छत्रसाल तो एक राजा है और हमारे राज दरबार की तो कैसी बड़ी गरिमा होती, और ऐसे झुक गए और सीधे परब्रह्म के स्वरूप में मान लिया। तो चलो अंदर थोड़ा कुछ संशय लेके, वो भी एक बेस बदल के, कौन, देवकुरी, वो भी आई, प्रणाम किया, किसके साथ, तो वहां जो ब्राह्मणी पत्नियां और भी थी पंडित लोगों की, उसी के साथ देवकुरी भी आई और उसने भी प्रणाम किया। वो भी देखो अंदर से संशय थोड़ा कुछ लेके आई के, अरे छत्रसाल एक बार सीधे ही चुक गए। सबने
प्रणाम किया और बलदीवान चाचा छत्रसाल जी के चाचा उसके अंदर अभी दिल में पहचान नहीं बनी अधूरे मन से, क्योंकि दज्जाल अज्ञान है ना अंदर। तो यहां श्री जी जब अभी बिछोने पर तिदुनी दरवाजे जहां मिलन हुआ वहां बैठे सुंदर साथ थोड़े कुछ साथ में भी है, और जब सबके सबका जब दर्शन हो गया फिर छत्रसाल जी ने अपने राज दरबार की एक सम्मानित भावना के साथ और सेवकों को आगे किया और बलदीवान काका को भी लेकर आए और सबने श्री जी के चरण में प्रणाम किया। अब स्वागत जब चल रहा था, ध्यान से मैं एक एक प्रसंग को जोड़े, जब स्वागत चल रहा था उसी टाइम बिगुल बजा। कहा अफगान के सैन्य ने पूरे मऊ को घेर लिया, बिगुल बजा तो छत्रसाल जी को सुनाई दिया। छत्रसाल जी ने क्या विचार किया कि अभी स्वागत तो हो गया, चल भी रहा है, चलो मैं श्री जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद मांग लूं। यहां वरदान की बात नहीं होती, धनी की तो कृपा ही बरसती, सदगुरु का आशीर्वाद होता और कोई महापुरुषों की शुभकामनाएं या मंगल कामनाएं रहती। तो यहां छत्रसाल जी ने तो श्री जी के स्वरूप में पहचान कर ली थी, तो चलो मैं श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं और श्री जी मेरे पर वरद हस्त रखे। और जैसे ही प्रणाम किया श्री जी ने छत्रसाल जी के सिर पर वरद हस्त रखा और रुमाल ओढ़ाया। देखो श्री जी का छुआ हुआ। मैं एक एक चीज को आज चिंतन कर रही थी, समय की मर्यादा के अनुसार तो भी धनी ने आज बहुत सी बातूनी बातें खुलवाई। मैं कभी भी एकांत में बैठती ना तो भी ऐसी बातें नहीं खुलती, आज राज जी की ऐसी इच्छा थी तो बहुत सी बातें खुलवाई। आज मैं एक एक बात पर चिंतन कर रही थी कि राज जी का छुआ हुआ स्पर्श किया हुआ रुमाल किस सिर पर ओढ़ाया, छत्रसाल जी के सिर पर। आज हम भी पन्ना जी में जाते ना तो राज जी का कोई पुराना वस्त्र निकला हुआ था ना तो सब कब क्या करते, मैं देखा है एक एक बस्तर को ऐसे फाड़ फाड़ के कोई छोटे छोटे टुकड़े को लेके जाते, क्योंकि राज जी को ओढ़ाया है ना। यहां श्री जी ने अपना रुमाल सिर पर रखा तो देखो श्री जी का हाथ का स्पर्श किया और रुमाल उसके अंदर कितना नूर होगा, ध्यान से सुनिए, कितना नूर होगा, कितना प्रेम होगा, कितना अंदर अनंत आनंद होगा। राज जी के दिल के अंदर जितनी निधिया अखंड है, अनंत सागर जो बह रहे वो सबने स्पर्श किया होगा ने, वो रुमाल छत्रसाल जी के सिर पर ओढ़ाया। उसी के सामने संसार की कोई ऐसी शक्ति है बलवान क्या कि उसको हरा सके, पराजित कर सके, पराजित कर सके, ऐसी कोई शक्ति है संसार की? और श्री जी ने बोला कि विजयी भव, तुम्हारा विजय होगा, आशीर्वाद के रूप में इतना बोला। बाकी तो श्री जी की दृष्टि पड़ी ने तब तो राज जी का नूर पूर्ण रूप से साकुंडल के अंदर चला ही गया है। एक एक वचन का प्रैक्टिकल महसूस करो, आप सिर्फ सुनो नहीं, ये धामधनी की चितवनी हो रही है। और वहां से सीधे ही छत्रसाल जी युद्ध के लिए अपना घोड़ा तैयार किया, सेना को तैयार किया और निकल पड़े। श्री जी तो अभी वहां ही है, श्री जी तो अभी कहां, ध्यान से सुनिए इस एक प्रसंग को, श्री जी मऊ में है और आसपास के जो दरबारी लोग थे सेना के लोग थे सब क्या मानते, ये किसी की बात नहीं हमारी बात है ये। उसने क्या चमत्कार मांगा, हमारे घर पे भी राज जी आ जाते ना, एक सुंदर साथ ने मेरे को थोड़े दिन पहले ही शायद बोला था कि दीदी जब से राज जी घर में आए ने तब से पता नहीं हमारे घर की कोई पतन ही शुरू होने लगा है। हम देवी की पहले पूजा करते थे,
पत्थरों की, या गणेश की, या हनुमान की, या राम की, या कोई देवी की, तब से हमारे घर में बहुत सुख समृद्धि थी। तो मैंने बहुत कुछ समझाया, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी। बोले कि जब से राज्य आए तब से पता नहीं क्या शुरू हो गया घर में। मैंने बोला ऐसा नहीं है, ये तो आपका कर्म का हिसाब है। कोई घर में राज्य आने से थोड़ी कहीं ये हो जाता, ये तो आपके अंदर एक मान्यता, और आप एक जाहिरी चमत्कार, एक जाहिरी कोई मन्नत या मांग के सांसारिक इच्छा तृष्णा की पूर्ति के लिए ये देवी की आपने संसार में सुन रखा है परंपरा में कि देवी की भक्ति करेंगे या अवतारों की या कोई देव की भक्ति करेंगे तो घर में देवी देवता हमारे पर प्रसन्न होंगे और हमारे घर में सुख समृद्धि से घर भर जाएगा। कोई देवी देवता ऐसे मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे पर कोई वरदस्त रखे और तुम कोई साधना ही ना करो, कोई प्रयास मेहनत ही ना करो और तुम्हारे घर सुख समृद्धि से भरपूर हो जाए। तो मैं भी सुंदरसा जी कल से ये करूँ, इतनी 1500 किलोमीटर दूरी पे क्यों आई, राज्य मेरे सिर पर, मैं भी ऐसे प्रणाम करके मेरा सिर इस स्वरूप को टच कर दूँ, मतलब स्पर्श कर दूँ, मेरे घर में भी सुख समृद्धि भर जाए। कोई मेरे को साधना नहीं, कोई पठन नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई ध्यान नहीं, और 1500 किलोमीटर की दूरी पे आके ये एक महीने से लगी हुई है, करने की क्या ज़रूरत है। जो ऐसे ही किसी पर मेहर हो जाती, मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे ही किसी पर मेहर हो जाती, कोई आशीर्वाद दे दे। आगे आप छत्रसाल की कुर्बानी को देखना, भले राज जी ने तो मेहर कर दी, लेकिन हम ऐसे निठले ठीठ बैठे रहे और राज जी मेहर कर दे, न हम तब साधना करें, न हमारे अंदर कोई त्याग आए। बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे अंदर कोई न त्याग आए, न कोई तप हो, कोई इंद्रियों को, मतलब एक घंटे बैठने का भी हम कोई कष्ट दिया ध्यान में शांति से बैठने का, और न वाणी का कोई स्वाध्याय हो, न चिंतन हो, न कोई समर्पण हो, कोई हमारे अंदर एक समय आए तीन दिन फिर बीतक को मिस कर दिया, कोई न निष्ठा हो, न कोई राज्य पर विश्वास हो, क्या राज्य हमारे पर वरदस्त रख दे, एक महीने में दो बार सुन लिया बीतक, या घर में दो दिन दिन ध्यान कर लिया, एक दिन सेवा कर ली और राज्य ने हमारे पर आशीर्वाद दे दिया, क्या ठीक हो जाएगा? ऐसा राज्य थोड़ी है। धामधनी क्या बता रहे कि छत्रसाल जी का देख के हमारे घर में भी राज्य है, क्यों हमारे अंदर इतना बल नहीं है जो छत्रसाल जी के अंदर था? क्योंकि छत्रसाल जी ने जो श्री जी ने राह बताई, वही राह पर छत्रसाल जी निकल पड़े हैं, वही त्याग, वही समर्पण, वही प्रेम, वही कुर्बानी, तब मेहर हुई है, तब जाके मेहर हुई है उस पर। कोई ऐसे हमारे पर बड़े महाराज जी ने कई सुंदर साथ के पर सिर पर वरदस्त रखा होगा, कई हमारे परमंशों ने भी रखा होगा, क्यों आज ये सुंदर साथ राज्य के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं? ये तो किसी किसी पर विशेष मेहर होती है, ये भी उन पर होती है, ध्यान से सुनिए, उन पर होती है कि जो सदगुरु के बताए हुए सच्चे मार्ग पर पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, विश्वास और अपने अंदर का तप, इस राह पर चलने का बल और घर की ओर का त्याग, और जैसा बाहर है वैसा ही वाला दिल, तब सुंदरसा जी जाके ये काम बनेगा, तब जाके ये काम बनेगा। यहां छत्रसाल जी को श्री जी मिले, क्या हमको राज्य नहीं मिले है? कितने समय से राज्य मिले है, तभी प्रत्यक्ष लीला थी, आज ज्ञान स्वरूप लीला हो रही है। और ये भी एक बात और भैया रखूं कि हमारे पूर्व कितने परमंशों ने पाया, ये वाणी के माध्यम से तो पाया। मैं एक बात आपको पूछूं, ध्यान से सुनिए, क्या युगलदासी को प्रत्यक्ष मिले थे श्री जी? कोई जवाब देगा, युगलदासी को प्रत्यक्ष मिले से क्या श्री जी? नहीं मिले, ज्ञान स्वरूप मिले हैं, ठीक है। क्या कलिंगपुंग वाले मंगलदासी को प्रत्यक्ष लीला में हुए थे क्या? नहीं, ज्ञान स्वरूप से मिले, ठीक है। जवारदासी को क्या प्रत्यक्ष मिले थे? ज्ञान स्वरूप से मिले, ठीक है। क्या बड़े महाराज जी को प्रत्यक्ष मिले थे राज जी, जो लीला 400 साल पूर्व चल रही थी? नहीं, ज्ञान स्वरूप से राज जी मिले। और उसी के बाद आप सब परमंशों की जीवनी को आप पढ़िए, आज घर पे जाके सब युगलदासी की जीवनी को, बड़े महाराज जी की जीवनी को,
ठीक है, लालदासी की जीवनी को, गोपाल मणि जी की जीवनी को, मंगल दासी की जीवनी को, बाबा दयाराम साहेब की जीवनी को, जवाहर दासी की जीवनी को, ये सब बड़े बड़े परमंश जो हमारे अमीरुल खासल खास की क्या साधना की है उसने इस राह पर। महाराज जी को देखो, तीन तीन दिन तक डूब जाते थे, पता ही नहीं रहता था, दो दो दिन तक मैंने सुना है कोई खाने पीने की कोई शुद्धि नहीं थी। मैंने प्रेम का चांद भी पढ़ा है, मैं कितनी बात रखूं, मिलने के बाद पहचान के लिए तो हम स्वयं को, मान लो किसी ने थाली तैयार करके यहां दे दी, क्या कोई बाइट उसमें से एक कौर उठा के हमारे मुंह में डालेगा? ये तो स्वयं को खाना पड़ेगा ने। तो वैसे राज जी ने ये तैयार सब कुछ करके दे दिया, चलना तो हमारी ओर से है ना, पहचान तो तब बनेगी जाके। ये छत्रसाल जी को वरदस्त रखा, रुमाल ओढ़ाया, अब आगे की उसकी कुर्बानी देखो आप, देखेंगे एक एक दिन रोज सुनना ये अभी तक को। श्री जी ने अपना रुमाल ओढ़ाया और अपना रुमाल श्री जी देखो यहां आया रुमाल ओढ़ाने का, जिस पर विशेष विशेष मेहर होगी ने उसी को ये विशेष विशेष शोभा मिलेगी। हर कोई चाहता है कि हमारे नजदीक राज्य आ जाए, हमारे नजदीक बन के काम करे, हर कोई चाहता है, लेकिन अपने अंदर जाके देखेंगे ने हमारी इतनी बराबरी की कुर्बानी है तभी हमारा बनेगे राज्य, हमारे अंदर का स्तर देखेंगे। यहां जैसे सबने क्या देखा, तो मैं सुंदर साथ जो मिले थे ना, मैंने उसको ये बोला कि माता जी कोई देवी या भगवान अवतारों की पूजा करके कोई तुम्हारे घर में सुख समृद्धि नहीं बन जाएगी, धन संपत्ति नहीं आ जाएगी, ये तो कर्म के हिसाब से चलता है। राज्य आने से तो आपको मुक्ति, आप मुक्ति के लिए नहीं चाहना करती हो क्या? ये संसार की चीज एकत्रित करके आप क्या करोगी? ये तो सब चीजें यहां ही रह जाएगी। धाम धनी मिले इस ब्रह्मांड में तो आप अखंड मुक्ति के लिए चाहना करो ने। तो ये जो दरबारी लोग थे कौन है, हम तो है, उसने भी क्या सोचा विचारा कि हम चलो ये छत्रसाल युद्ध में विजय होके आएंगे तो हम मान लेंगे कि यही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है, यही पर ब्रह्म है, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। तब जब छत्रसाल जी युद्ध में गए अपनी सेना के साथ, अपने पास 1000 की सेना थी, कितनी, तब छत्रसाल जी हम कल भी देखा हारून और फेरून और मूसा पैगंबर की, भाई मैं गरीब हूं, एक फकीर हूं, और फेरून तो उसके साथ तो बहुत बड़ी सेना है। तो यहां जो अफगान आया उसके पास 8000 का सैन्य था, कितना 8000 का, उसमें 3000 तो घोड़ेस्वार था, घोड़ेस्वार 3000 था, और हमारे पास 1000 की सेना थी। वो जैसे युद्ध में गए और वो लोग तो नशे में मस्त थे, कौन ये मुस्लिम लोग अफगान के सैन्य के साथ आए थे, और अफगान भी अपने नशे में चूर था। वहां जाके जब सीधे ही छत्रसाल जी ने जब वार करना शुरू कर दिया और अफगान पर वार किया, अफगान ने अपना सिर झुकाकर पहले वार से तो बच गए, और अफगान ने जब वार किया तब ये वार जब किया ने तब वो शस्त्र छत्रसाल की ओर नहीं गया, पीछे से ऐसे ही छूट गया कि लगता है कोई पीछे से किसी ने खींच लिया। ये मेहर तो राज जी की है, और वो सैन्य आपस में लड़ झगड़ कर अंदर मर गए और छत्रसाल जी की विजय हुई। छत्रसाल जी वापस मऊ में पहुंचे, और मऊ में पहुंचे श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और इतना नहीं अपने तन मन धन से न्योछावर हो गए। हम बोलते हैं ना वो भोग के अंदर जीवन आ श्री राज महाराज भवन में दीना
उसी के अंदर ये चौपाई आती है। ताना मान धन ले न्योछावर किन ओ, ताना मान धन ले न्योछावर किन हो, लौकिक लो पानो लाज महाराज भवन में, लौकिक लो पानो लाज महाराज भवन में। सुंदर साची ये भोग जो मैंने गाया ना अभी, ये छत्रसाल का पद है, ठीक है। हम रोज दिन में चर्चा लेंगे ने, तब एक एक ये भोग की चौपाइयाँ छत्रसाल जी को लागू होती है। जो श्री जी के चरणों में क्या समर्पण किया है, उसने क्या बोला, तन मन धन ले न्योछावर किनो। हम कितनी बार अभी तक दीदी बोला होगा समाप्ति के बाद भोग के समय, भैया हमने जितनी बार पाठ की समाप्ति की उसी के बाद सेवा पूजा के अंतिम समय हम भोग बोलते ने, भोग के बाद हमारी सेवा पूजा समाप्ति होती थी। माता जी कितनी बार बोलेगी, इतनी जीवन में इतनी उम्र में हमने कितना समर्पण किया, का तो हम झूठ बोल रहे हैं, तन मन धन ले न्योछावर किन हो, लेकिन हमने कितना न्योछावर किया, तन चलो धन नहीं है ठीक है, तन मन तो हमारा है ने, वो तो कोई नहीं रोक पाएगा ने, नहीं रोक पाएगा ने तन मन तो, धन तो राज्य की कृपा से विशेष कृपा हो तो किसी के घर में ये धन संपत्ति होती है ठीक है, कोई बात नहीं चलो छोड़ो, मन और तन तो हमारा है ने, हम चाहे तभी राज्य की सेवा में लगा सकते हैं ने। सुंदर साथ जी कितना लगाया, रोज झूठ बोलते, जितनी बार पूर्णाहुति करो समाप्ति करो, जैसे ये सुख देऊ तो नहीं तो, समझ में आया, वैसे ही तो हम बोल रहे हैं, जितनी बार पाठ करो इतनी बार झूठ। और फिर क्या बोले, इसी तारतम में बोला कि ये सतवाणी मथ के ले वो जो इनको, और हम कितनी मथी वाणी को, बच्चों हमने कितना मंथन किया वाणी को, और रोज एक मंत्र में रोज झूठ बोले, ये सतवाणी मथ के ले वो जो इनको सार, ये सतवाणी मथ के ले वो जो इनको सार, ये सतवाणी मथ के, एक दूध होता है वो गर्म करके जमाते उसमें से दही बनता, दही के बाद बहनों को पता है उसको विलोया जाता ना ठीक है, फिर क्या बनते मक्खन, मक्खन को गर्म किए करने के बाद क्या मिलते घी, घी कितनी प्रोसेस के मतलब कितनी मेहनत के बाद मिला, ऐसे वाणी को मंथन करना पड़ेगा। ये सत्वाणी मत के ले वो जो इनको सार, फिर क्या बोला, इन सार में कई सतसुख पर मंथन करे तभी तो सतसुख मिलेगा, मंथन ही नहीं किया सीधा घी पाने के लिए चाहते हैं। यहां राज जी ने यही बताया छत्रसाल जी का कि उसने तन मन धन लिए न्योछार, हम तो रोज सिर्फ भोग में बोल लेते हैं कि तन मन धन न्योछावर किन हो। और आगे दरबार योग के सामने बोल रहे मऊ के अंदर कि हे धनी डर नहीं है, देखो लाज मर्यादा तोड़ दी पूरे परिवार की, राज दरबार की तो कितनी गरिमा भी ऊंची होती, तोड़ दी बलदीवान चाचा, किसी की लाज मर्यादा नहीं रखी। मैं कई सुंदर साथ को बोलती हूँ, ये प्रसंग हमारा है, एक बार राज्य की पहचान के बाद संसार के ऐसे कोई रिश्ते बड़े नहीं है राज्य से आगे, पर हम लोग लाज मर्यादा में राज्य को दूसरे नंबर पर कर दे और संसार के रिश्ते को प्रथम नंबर पर, लेकिन राज्य को पहली प्राथमिकता राज्य को देनी है, संसार की लोक लाज मर्यादा में हम कितने पीछे आज रह गए हैं। यहाँ छत्रसाल जी ने तोड़ दी, क्या बोला श्री जी को कि हे श्री जी बस अभी मेरे से सांसारिक काम, ये राज दरबार का जो भी काम है ये वहीवट है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे अंदर से ये संसार का मोह पूर्णतया समाप्त हो गया, ये कौन बोल सकता है। एक ही चौपाई में अभी तो पहचान नहीं बनी, अभी तो मिले हैं, तब इतनी देर में कितने स्तर बताए पहचान के, कितने उच्च स्तर बताए,
और श्री जी को क्या बोला, अभी तो मऊ में है, पन्ना नहीं पहुंचे, मऊ में क्या बोला, श्री जी अब मेरे को पाताल से लेकर परम धाम तक बताइए। तब पाताल से लेकर परम धाम तक समय हो गया 6:45 बज गए, मैं बस 2 ही मिनट में बता के ये चौपाई को हम दोहरा देंगे, ठीक है। पाताल से लेकर परम धाम तक, तो श्री जी ने मऊ के अंदर श्री जी को तार परम धाम का पट दर्शन करवाया कि हे शाकुंडल, तुम सबसे पहले ब्रज में आए, इस करबद से लिया और इस करबद के अंदर 3 बार मना किया, तब भी आपने फिर ये खेल को मांगा, मैंने तुम्हारी चाहना इच्छा पूर्ण की, तुम ब्रज में आए, ब्रज में 11 साल 2 दिन तक लीला की, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण ना हुए, काल माया को भयो पतन, मैं तुमको रास में लेकर गया, अखंड योग माया ब्रह्मांड में, वहाँ महारास रात्रि को रमण किया, ये रात वहाँ अखंड हो गई, तुम वापस परातम तन में लौटे, वहाँ आके फिर मेरे सामने यही रबद लेके बैठ गई कि धनी जो तुमने बोला था वो वाला खेल तो हमने देखा ही नहीं, फिर मैंने आपको जागनी ब्रह्मांड में भेजा है, तो ये जागनी के ब्रह्मांड में हे शाकुंडल, तुम एक नहीं, तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मात्माएं आई है, सबको ये तारतम ज्ञान की पहचान करवा कर एक साथ परम धाम लेके तुमको चलना है, ये जागनी का उत्तरदायी तेरे सिर पर है, भले आगे ही दे दिया था लेकिन यहाँ धनी बुला रहे, और ये जो संसार बना है पाताल से लेकर नारायण तक का, ये सब नश्वर है, ये झूठ है, ये स्वप्न है, ये मृग तृष्णा के जल के समान है, ये नारायण तक जो बना है उसको भागवत में भी कहा है कि महाप्रलय में सब शून्य निराकार से नारायण तक का नाश हो जाएगा, और नारायण का अस्तित्व विलीन होके अक्षर के मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म है, अव्याकृत के मन के स्वप्न के ये स्वरूप नारायण है, तो ये नारायण भी विलीन हो जाएगा महाप्रलय में, ये स्वरूप अव्याकृत में लीन हो जाएगा, अव्याकृत का जो 4 अंतस्करण है उसी के अंदर 8 प्रकार की विस्त अखंड मुक्ति के स्थान बने हैं। जब ये संसार एक दिन क्यामत का समय आएगा, तो क्यामत के दिन जब दूसरा सुर असरा फिल फूकेगा, तब सब संसार के प्राणी स्थावर सब जंगम ये 8 प्रकार की मुक्ति के अंदर अपनी करनी के हिसाब से अखंड हो जाएंगे। ये योग माया ब्रह्मांड कहते हैं नीचे का क्षर पाताल से लेकर नारायण तक का क्षर, क्षर मतलब नाशवंत, उससे परे अखंड अक्षर कुटस्थ अविनाशी, और ये जो ब्रह्मांड है अक्षर ये अविनाशी है, उसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है, उससे भी परे जो दिव्य परम धाम है वो परम धाम 25 पक्षों के साथ शोभा से लीला से पूर्ण है, और बीच में हमारा रंग माहौल है, और आसपास में 7 परिक्रमा में 24 पक्ष आपकी लीला विहार के स्थान बने हैं, और रंग माहौल 9 भौम और 10वीं आकाशी वाला है, और तुम आज ये मैं रंग माहौल में आपको लेके चलूं तो तुम हे शाकुंडल, तुम भी परम धाम ये रंग माहौल के अंदर प्रथम भूमिका 4 चौरस हवेली के बाद 5वीं गोड़ हवेली मूल मिलावे में तुम्हारा मूल तन परात्म तन दिव्य तन अखंड नूरी तन वहाँ बैठा है, वहाँ से तू प्रतिबिंब स्वरूप मतलब परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा के स्वरूप में तुम इस खेल में ये शरीर छत्रसाल का धारण किया है, और जीव के दिल पर आत्मा का दिल है, आत्मा दृष्टा रूप बनकर इस खेल को देख रही है, तो तुम सिर्फ दृष्टा बनकर इस खेल को देखने के लिए आए हो, ये किसको बताया अभी, हम सबको, ठीक है, तुम देखने के लिए आई हो, तुम ही खेल देख के वापस लौटो, तो इतना सुना ने तब तो 6 साल की कहू ही क्या सुंदर साची, लेकिन समय हो गया हम चौपाई दोहराएंगे। बोले श्री प्राणनाथ।
फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम अब व्यवहार छूटत मुझसे जाग खड़ी आतम जाग खड़ी आतम